हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कुणाल कुरानी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर हमारे पूरे साल की इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो हमें उस ऊपर जितनी भी इनकम एक्सीड हुई है उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अब आप ये टैक्स सेव कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करते हैं तो इस टैक्स प्लानिंग से आपका टैक्स भी सेव होता है प्लस इन्वेस्टमेंट्स भी होता है जिससे आप एक फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करें ये टैक्स प्लानिंग और कैसे बचाएं पैसा और कैसे बनाएं फ्यूचर के लिए पैसा, हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, होता क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में आपकी इनकम कैलकुलेट होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। मीन्स इनकम टैक्स एक्ट में पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल से और वो एंड होता है नेक्स्ट मार्च में, राइट। अगर आप 16-17 का एग्जाम्पल लें तो आपका अप्रैल 16 इज द स्टार्टिंग ईयर और मार्च 17 इज द एंडिंग ईयर, राइट। तो इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी आप इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है। और ये टैक्स कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन टैक्स स्लैब रेट्स। अभी टैक्स रेट स्लैब है और जो रेट है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल अपने बजट में देता है और उसे वो चेंज भी होते रहते हैं। तो अगर हम 16-17 की बात करें तो हमारे टैक्स स्लैब रेट्स कुछ ऐसे थे कि आपकी अगर इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 0% टैक्स है, यानी नो टैक्स। अगर आपकी इनकम फॉल होती है 2.5 लाख के और 5 लाख के बीच में तो आपको टैक्स देना है 10%। अगर आपकी इनकम फॉल होती है 5 लाख to 10 लाख तो आपको टैक्स देना है 20%। अगर आपकी इनकम फॉल होती है मोर देन 10 लाख वाली कैटेगरी में तो आपको टैक्स देना है 30%। तो फ्रेंड्स, ये थे 16-17 के टैक्स स्लैब्स और रेट। फ्रेंड्स, 17-18 में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सब कुछ सेम ही है एक्सेप्ट दिस कि अगर आपकी इनकम फॉल होती है 2,50,000 से 5 लाख के बीच में तो पहले था 10%, अब वो हो गया है 5%। दैट्स इट, यही चेंज है। फ्रेंड्स, जो भी हमने ये टैक्स स्लैब्स और रेट डिस्कस किए ये एप्लीकेबल होते हैं एक पर्सन को जिसकी एज 60 इयर्स के नीचे है, राइट। तो जिनकी एज 60 और मोर देन है तो वो फॉल होते हैं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, राइट। अब इनकम टैक्स एक्ट सीनियर सिटीजन को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक कैटेगरी है जिनकी एज है 60-80 ईयर्स के बीच में और दूसरी कैटेगरी है जिनकी एज है मोर देन 80 ईयर्स, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए स्लैब है कुछ up to 3 lakhs 0% टैक्स, 3 lakh to 5 lakh 5% टैक्स, 5 lakh to 10 lakh 20% एंड मोर देन 10 lakh 30%, राइट। और सेकेंड कैटेगरी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए टैक्स स्लैब रेट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर उनकी इनकम up to 5 lakh है तो 0% टैक्स, नो टैक्स। उनकी इनकम है 5 lakh to 10 lakh तो है 20%, और अगर मोर देन 10 लाख इनकम है उनकी तो है उनके लिए 30%, राइट। तो ये थे इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन 1 एंड सीनियर सिटीजन 2, राइट। तो फ्रेंड्स, ये इनकम है क्या एक्चुअली जो जिसके बेस पे हमारा टैक्स स्लैब और टैक्स रेट डिसाइड होता है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में एक ग्रॉस टोटल इनकम का कंसेप्ट दिया गया है जिसमें आपके 5 तरीके के इनकम ऐड होते हैं और उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम डिटरमाइन किया जाता है। तो ये 5 तरीके के इनकम कुछ ऐसे हैं। पहला है सैलरी इनकम जो सैलराइड पर्संस के लिए है। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम, मींस आप अगर इनकम अर्न करते हैं हाउस प्रॉपर्टी रेंट करके तो वो आपका रेंट इस कैटेगरी में फॉल होगा। तीसरा है बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, मींस आप बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं उसमें जो भी आप इनकम अर्न करते हैं वो आपका फॉल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। चौथा है कैपिटल गेन्स इनकम, मींस यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करते हैं और या सिक्योरिटी शेयर्स में आप डील करते हैं उसके ऊपर बाय सेलिंग में जो भी आपका गेन्स होता है वो आपका कंसिडर किया जाएगा कैपिटल गेन्स में। फिफ्थ है अदर सोर्सेस इनकम, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अर्न किया वो कंसिडर किया जाएगा, आपने जो भी डिविडेंड अर्न किया शेयर्स के ऊपर वो कंसिडर किया जाएगा, और लॉटरी इनकम होगी जो भी कैजुअल इनकम होगी जिसमें आप विदाउट एफर्ट्स अर्न करते हैं वो आपकी फॉलो होगी अदर सोर्सेज में। तो इन सब का टोटल करने के बाद आपका डिसाइड होगा ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। जितना भी आता है उस बेस पे आपका स्लैब सिलेक्ट कर लीजिए, उस बेस पे आपका टैक्स रेट सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो ये था ग्रॉस टोटल इनकम। अब समझते हैं कि टैक्स सेव कैसे किया जाए, राइट। फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे एक एग्जांपल। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 6 लाख रुपए, तो उस बेस पे आपका टैक्स स्लैब बनता है 5 lakh to 10 lakh और उसका रेट ऑफ टैक्स है 20%। तो आपको 6 लाख के ऊपर
20% टैक्स कैलकुलेट करना है, राइट? तो कैसे अगर इसको कम करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो फ्रेंड्स, उसके लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन देती है, तो उसके लिए एक सेक्शन है ATC, उसे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी पॉपुलर सेक्शन है ATC, राइट, जिसमें 8 से 10 टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स दिए गए हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम अगर 8 से 10 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख का आपकी इनकम में से डिडक्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है टैक्स सेविंग की सेक्शन ATC, जहां पर आपको मल्टीपल टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इसमें से कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको वो एज अ डिडक्शन आपकी इनकम में से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पर ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 1,50,000 की, राइट? इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम में से, राइट? तो आप अगर 1,50,000 से ज्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं या मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का ही सिर्फ, राइट? फ्रेंड्स, अब लेते हैं एग्जाम्पल जहां पर हम एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और एक जगह हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी और कितना सेव होगा वो भी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, राइट? तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट? और हमारा ईयर होगा 2016 to 2017, मीन्स April 2016 to March 2017, और उस पीरियड के अंदर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हुई 6 लाख रुपए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा नील, राइट? तो हम उस हिसाब से हमारी नेट इनकम बनेगी 6 लाख रुपीज, तो उस पे हमारा टैक्स बनेगा कुछ 46,350 का। अब ये 46,300 कैसे आया? आया बेस्ड ऑन अवर टैक्स स्लैब्स एंड रेट, मीन्स अप टू 2,50,000 0%, 2,50,000 टू 5 लाख 10%, मीन्स 25,000, 5 लाख टू 6 लाख 1 लाख होता है उसका रेट ऑफ टैक्स होगा 20%, मीन्स 20,000 और ओवरऑल हो गया 45,000, और उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे 3% एजुकेशन सेस लेती है, राइट? और वो ऐड कर लेंगे और टोटल टैक्स हमारा बन जाएगा 46,350, राइट? ये था एग्जांपल नो इन्वेस्टमेंट का। अब लेते हैं कि एग्जांपल जहां पर हम लोग ATC में 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेम ईयर रहेगा, ग्रॉस टोटल इनकम सेम रहेगी 6 लाख, यहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,50,000 का, तो उस बेस पे हमारा नेट इनकम बन जाएगा 4,50,000 का, और यहां पर आप देखिए हमारा टैक्स लायबिलिटी आता है 20,600 का। यस फ्रेंड्स, देखिए कितना मेजर डिफरेंस है, राइट? अब ये 20,600 भी आया है बेस्ड ऑन अवर टैक्स स्लैब्स, राइट? यहां पर हमारी नेट इनकम है 4,50,000 जो 5 लाख के अंदर है, तो यहां फॉल होगी 2,50,000 to 5 लाख के बीच में, राइट? तो उस बेस पे हमारा टैक्स बन जाएगा 20,600, राइट? तो देखिए फ्रेंड्स, हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा टैक्स भी बचता है और प्लस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग इंटरेस्ट या कुछ रिटर्न अर्न करते हैं, तो वो भी फ्यूचर में ग्रो होता है, राइट? तो इसीलिए टैक्स प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेक्शन ATC में मल्टीपल टैक्स ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस कौन सा है जिससे आपका वेल्थ गारंटीड क्रिएट हो, राइट? तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इस वीडियो को लेकर सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, आप डेफिनेटली वो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video.